हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बूंदी। इसको नुक्ती भी बोला जाता है। हम मीठी बूंदी बनाएंगे। ज़्यादातर हम इसको त्यौहार पर बनाते हैं। 15 अगस्त पर भी बूंदी बनाई जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बूंदी। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हम छान लेंगे। तो मैंने बेसन को छान लिया है और इसको हम एक बड़े बर्तन में करेंगे, क्योंकि हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने जिस कटोरी से बेसन नापा था, उसी कटोरी से मैं पानी डालूंगी। तो अभी मैंने आधा पानी ही डाला है और इसका हम घोल तैयार करेंगे। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही हमें पानी डालना है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो देखिए, हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरीके से। लेकिन अभी हमारा घोल गाढ़ा है, तो हम जितना पानी है हमने पूरा पानी डाल दिया है। मतलब हमें एक कटोरी बेसन पर एक कटोरी ही पानी लगा है, क्योंकि हमें पतला घोल तैयार करना है। तो देखिए, अब हमारा बहुत अच्छा घोल बनकर तैयार हो चुका है। हमें इसी तरीके का घोल बनाना है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच खाने वाला तेल डालूंगी। इससे हमारी बूंदी क्रिस्पी बनेगी और अच्छे से हम मिला लेंगे। हमें तेल को अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है। बूंदी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी। आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। तो एक चुटकी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए, अब हमारा घोल तैयार है बूंदी बनने के लिए। तो अब हम कढ़ाई में घी या तेल, आप जिसमें भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। आप प्रसाद के लिए बना रहे हो तो आप घी में बनाइए। तो इस तरीके से हम जो झारा रहता है उसी में हम बूंदी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमको डालना है फैलाते हुए, और हम झारे को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। तो देखिए, अब हमारी कितनी अच्छी बूंदी निकली है। गोल बूंदी बनी है बिल्कुल। तो इनको हम तल लेंगे। बूंदी तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, हमारी कितनी अच्छी क्रिस्पी बूंदी बनकर तैयार हुई है। तो हम सारी बूंदी को इसी तरीके से तल लेंगे। तो देखिए, अब हमारी बहुत अच्छी बूंदी बनकर तैयार है। तो हमें कुरकुरे होने तक तलना है बूंदी को। और अब हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं 1 कटोरी शक्कर डालूंगी। मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है और इसी कटोरी से हम नाप कर पानी लेंगे। तो 1 कटोरी शक्कर है जिस पे मैंने 1 कटोरी ही पानी डाला है। हमें सिंपल चाशनी बनाना है, तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। और हम चला चला कर चाशनी बना लेंगे। इसी तरीके से चलाते जाना है ताकि हमारी चाशनी नीचे से जले ना। तो देखिए, चाशनी अच्छे से उबलने लगी है। तो इसमें थोड़ा सा मैं बूंदी वाला कलर डालूंगी, जो खाने वाला कलर आता है। मैंने थोड़ा सा कलर डाला है।
इससे हमारी बूंदी बाजार के जैसी दिखेगी जैसी हम मार्केट से लाते हैं। आप यदि कलर नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। तो देखिए हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनी या नहीं। तो देखिए हमें बस केवल सिंपल चाशनी बनाना है इस तरीके से, कोई तार नहीं खींच लेना है इसमें। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए अब हमारी बूंदी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखिए इसमें बिल्कुल भी घी तेल नहीं है, बहुत क्रिस्पी बूंदी बनी है। और अभी हमारी चाशनी भी गर्म है, तो अभी हमारी ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन अभी हमारी चाशनी गर्म है। इसमें हम आधी बूंदी डालूंगी, मैं आधी बूंदी मैं रायते के लिए रख लूंगी। तो जब भी हमें बूंदी बनाना हो इस प्रकार से हम बनाकर रख सकते हैं। और मीठी बूंदी बनाना हो तो हम चाशनी में डालकर मीठी बूंदी बना सकते हैं। तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए इसी में रहने देंगे। तो अब 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो जितनी भी चाशनी है एक्स्ट्रा हम उसको निकाल लेंगे। तो इस चाशनी को हम दूसरी चीज़ों में उपयोग ले सकते हैं। देखिए अब हमारी कितनी अच्छी मीठी बूंदी बनकर तैयार है, मीठी नुक्ती बनकर तैयार है। इसको नुक्ती भी बोला जाता है। तो यदि आपको मेरी नुक्ती की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप भी बनाइए इस नुक्ती को।